प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 में पहला पाठ रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। पहले पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हमारे आसपास अगल बगल बहुत सी चीजें जो देखते होंगे, तमाम तरह के, जैसे मान लीजिए जल है, आकाश है, पृथ्वी है, पेड़ पौधे हैं, नदी है, तालाब है, तमाम चीजें, अन्य वस्तुएं तमाम तरह के देखते होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ होता क्या है। पृथ्वी पर या विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो जिस चीज से, जिस सामग्री से बनी हुई है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। एक बार और ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, जिनसे वो बनी हुई है, उन्हीं को हम पदार्थ कहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु ऐसा नहीं होगा जो पदार्थों से, पदार्थ के कणों से नहीं बना होगा। कण मिलकर के, छोटे छोटे कण मिलकर के पदार्थ बनाते हैं, और पदार्थ पर मिलकर के वस्तुएं बनाती हैं। बात करते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, तो सबसे पहले याद करिए या ध्यान रहे, पदार्थ के बीच में, यानी पदार्थ के कणों के बीच में कुछ जगह होता है, खाली स्थान होता है, जिसे कहते हैं अंतरार्धिक स्थान। एक बार और ध्यान रखिएगा, कणों के बीच में जो खाली जगह होता है, उस जगह को अंतरार्धिक स्थान या अंतरार्धिक स्थान कहते हैं। दूसरा बात करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है, उस बल को अंतरार्धिक आकर्षण बल कहते हैं। एक बार और ध्यान रखिए, पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, वह आकर्षण बल अंतरार्धिक आकर्षण बल कार्य करता है। इन कणों के बीच में प्रतिकर्षण बल भी कार्य करता है और आकर्षण बल भी कार्य करता है। अब बात करते हैं पदार्थ के कण कंटिन्यू गतिशील अवस्था में रहते हैं, यानी हमेशा एक दूसरे से टकराते और जुड़ते रहते हैं। पदार्थ को बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से रासायनिक, किसी भी पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जिसे रासायनिक और भौतिक कहते हैं, रासायनिक विधियां और भौतिक विधियां। हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे वो भौतिक विधियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है।